भरतिया पहुंचे डॉक्टर अशोक तौर पूर्व विद्यालय एवं एग्रो चेयरमैन जनरल सिंह के निवास पर कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। कहा, कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में किसी के साथ गठबंधन करने की जरूरत नहीं है। 10 की 10 सीट कांग्रेस अकेले ही जीत सकती है। कांग्रेस सरकार आते ही किसानों के लिए अलग बजट होगा और हजारों करोड़ों के उद्योग, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, रेल भी सिरसा अगरवा रतिया के नजदीक रेलवे लाइन होगी। देखे K9 मीडिया के लिए रतिया से रवि गोयल की रिपोर्ट। मैदान छोड़ के भागने वालों में से हम हैं, ठीक है जी। और बाकी जो लोग हैं, आप तो अपना मजबूती से प्रचार प्रसार करिए। हम लोगों ने हमारी पार्टी बौखला गई है, उसके बारे में करनी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी इसलिए बौखला गई कि जब हमारा समय था तो चाहे रतिया हो, रतिया में बाई इलेक्शन के बाद भी 450 करोड़ रुपए हमने दिलवाए। पूरे पार्लियामेंट के अंदर 5 साल जब कांग्रेस की सरकार थी हमारी, 45,000 करोड़ रुपए के हम बड़े छोटे प्रोजेक्ट लेकर के आए। बौखलाई कांग्रेस इसलिए कि किसान, मजदूर, गरीब आदमी, नौजवान, छोटे दुकानदार, उनको परेशान किया गया, उनको प्रताड़ित किया गया, कर्मचारियों को उनके अधिकार नहीं दिए गए, पूरा प्रदेश। K9 मीडिया अब आपके लिए लेके आया है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विद फुली वायरलेस सिस्टम, जिसके द्वारा आप अपने किसी भी प्रोग्राम को लाइव कर सकते हैं, जैसे कि राजनीतिक रैली, जलसा, जागरण और स्पोर्ट्स इवेंट।